हेलो फ्रेंड्स, आज हम पैटर्न नेट ब्लाउज़ की कटिंग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी मेजरमेंट जान लेते हैं। तो लंबाई है इसकी 13 इंच, तीरा है इसका 13 इंच, और जो बस साइज है इसका 34 इंच है, और वेस्ट साइज है इसका 29 इंच। आर्म होल है इसका 7.5, स्लीव लेंथ है इसकी 13 इंच, और स्लीव बॉटम है इसकी 5 इंच, गुलाई में 5 इंच डबल में, और नेक है इस आगे का 8 और पीछे का बोट नेक गुलाई हम बनाएंगे। तो चलिए इसकी हम मेजरमेंट लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने जो कपड़ा लिया, देखिए ये हमारा जो ये मेन कपड़ा है जो साड़ी में से हमारा निकला है, नेट का कपड़ा है देखिए, और सारा में एम्ब्रॉयडरी हो रही है देखिए, इसमें नलगी का काम हुआ है, और ये देखिए सीक्वेंस वर्क इसमें किया हुआ है। तो इस पर हम इस पर जो लाइनें लगाएंगे वो हम थोड़ी सी शाइनिंग वाली लाइनें लगाएंगे, जिससे ये हमारी एम्ब्रॉयडरी और भी उभर के आए। तो देखिए इसके लिए हमने ये 90 सेंटीमीटर शैंटून का कपड़ा लिया है, देखिए जो इसमें हल्की सी इसमें शाइनिंग होती है, और इस जो शाइनिंग वाला कपड़ा है हमारा शैंटून कपड़ा है, इसके अंदर हम ये लाइनें लगाएंगे, क्योंकि ये पैडेड ब्लाउज़ है, इसमें हम पैड भी लगाएंगे। तो जो हमारा बस साइज होता है वही हमारा पैड साइज भी होता है, तो हमारी 34 इंच की हमारी बस साइज है, तो 34 इंच के हमारे ये पैड लगाएंगे जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें जो कॉटन की लाइनिंग है इस पर हम निशान लगाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को जो दबा दें, जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो कॉटन की लाइनिंग है इस पर हम निशान लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह हमने इसको बिछा दिया, ये हमारा ओपन साइड है, ये देखिए ये हमारा ओपन साइड है, और ये हमारा फोल्ड साइड है। अब इस पर हम निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम इस कपड़े को सीधा करेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स हमने इसको सीधा कर लिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई है हमारी 13 इंच, तो हम उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो हम 14 इंच पर निशान लगाएंगे, और इसको सीधा कर देंगे। अब यहाँ से हम तीरा का निशान लगाएंगे, तीरा है हमारा 13 इंच, तो उसका हाफ हो गया 6.5 इंच, तो यहाँ से हमने निशान लगाना है 6.5 इंच पर। और इसकी जो हमने आर्म होल लेना है वो हमने लेना है, वो भी हमने 6.5 ही लेना है, और इसको हम इससे देखिए यहाँ भी 6.5 पे ऐसे निशान लगा देंगे, और इसको सीधा कर देंगे। ये हमारा इस तरह से बॉक्स तैयार हो जाएगा। अब यहाँ से हम बस साइज का निशान लगेंगे, बस साइज हमारी 34 इंच है, तो उसका 1/4 हो गया 8.5 इंच, तो यहाँ से देखिए यहाँ से हम 8.5 पे निशान लगा देंगे, ये देखिए यहाँ से हमने 8.5 पे निशान लगाना है। अब यहाँ से हम देखिए 2 इंच का मार्जिन लेंगे, और इसको हम देखिए ऐसे सीधा कर देंगे। कमर का नाप नहीं लेंगे क्योंकि हम इसमें प्लीट्स डालेंगे, तो जो बाद में हमारा फिटिंग का होगा वो हम इसको सीधा कर देंगे। अब लगाएंगे यहाँ पे आर्म का निशान, आर्म होल लेंगे हम, ये बैक साइड है तो हमने 1.5 इंच पे ऐसे निशान लगाना है, और इसको देखिए ऐसे करके हमने इसे कर्व देखिए मिला देना, इस जगह से देखिए आर्म होल से हम इसे थोड़ा सा इसे डाउन कर देंगे, ये देखिए। अब इसकी हम बार बार से देखिए कटिंग करेंगे। ये देखिए हमारा ये बैक साइड का हमने निकाल लिया, और हम इस पर प्लीट का निशान लगाएंगे, तो ऊपर से देखिए यहाँ से हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे, ये देखिए ऐसे, और यहाँ से देखिए हम 3.25 पर निशान लगाएंगे इस तरह, और इसको देखिए यहाँ से नीचे से हमने सीधा कर देंगे इसको, ये हमारी प्लीट्स लग जाएंगी, ये देखिए ये हमारी बैक की प्लीट्स हो गई। इसको देखिए दूसरी तरफ लेने के लिए हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, और इसको इस पर लगा के देखिए ऐसे करेंगे और थपथपा देंगे, तो देखिए हमारा ये इधर निशान आ गया। अब इसको भी हम सीधा करके यहाँ पे भी प्लीट का निशान ले लेंगे, ये देखिए हमारे दोनों तरफ प्लीट्स लग गई, ये हमारा बैक साइड तैयार हो गया। अब हम फ्रंट साइड निकालेंगे, ये देखिए हमने ऐसे कपड़े को ऐसे देखिए जो हमारा बचा कपड़ा है उसको हमने ऐसे बिछाया, ये हमारा फोल्ड साइड है, तो इसका ही फोल्ड साइड इस पर रखेंगे बैक का, और इसको जैसा हमारा निशान लगे हुए वैसे ही इस पर हम निशान लगा लेंगे, बाद में हम इसे प्रिंस कट में काटेंगे। ये हमने निशान लगा दिया, अब इस बैक पीस को हम इसमें से हटा देंगे, ये हमारा निशान आ गए। अब इसमें देखिए क्या क्या हम चेंजेस करेंगे, जो ये लेंथ है ना, लेंथ में हम देखिए 1 इंच बढ़ा कर लेंगे, ये देखिए, क्योंकि यहाँ हमारी डॉट डलती हैं, तो डॉट की वजह से हमारा ये देखिए ये कपड़ा कम हो जाता है, आगे का पोर्शन हमारा कम हो जाता है। तो देखिए हमने यहाँ पे इसे निशान लगा देना है, ये देखिए। अब देखिए यहाँ से बस साइज लेंगे, तो देखिए यहाँ से लगाएंगे डॉट लगाने के लिए, देखिए यहाँ से हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे, ये 10 इंच निशान क्यों लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर कंधे में चला जाएगा। अब हम यहाँ से इसकी चौड़ाई का निशान लगाएंगे विड्थ का, तो यहाँ से हम लेंगे 3.5 इंच, क्योंकि यहाँ हमारा सिलाई चली जाएगी। अब इसको हम इससे मिला देंगे नीचे से, इस तरह देखिए हमारा निशान लग गया। अब देखिए ये हमारा आर्मल की साइड है, तो पहले हम आर्मल को देखें, इसको भी हमने पहले निशान लगा कर इसे सीधा कर लेना है, और इसको पहले इससे मिला देंगे ऐसे, देखिए ये हमने आर्मल की शेप ले ली। अब जो आर्मल का हमें आधा इंच देखिए अंदर की तरफ जाएंगे, इसमें देखिए यहाँ से ऐसे अंदर की तरफ लेंगे इस तरह,
और यहाँ से देखिए, यहाँ से आर्मोल का हम एक इंच पे शेप लेंगे, यहाँ पे एक इंच लगा देंगे और इसको देखिए इससे मिला देंगे, ये हमारी आर्मोल शेप हो जाएगी। अब यहीं से हम देखिए इसको ऐसे डायरेक्शन देंगे इस तरह, इसी जगह से, और हमारा प्रिंस कट की तरह से हमने इसमें निशान लगाना है इस तरह से। ये देखिए बहुत आसान तरीका बता रही हूँ मैं आपको, ये देखिए ऐसे करते कर्व लेते हुए हम इसमें इससे इसको मिला देंगे, ये हमारा निशान आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम इसकी यहाँ से इस जगह से हम डेढ़ इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ से, ये देखिए, और यहाँ से हम देखिए दो इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह, लेंथ में हम दो इंच पे निशान लगाएंगे और इसको देखिए इससे मिला देंगे इस तरह, और यहाँ से हम आधा इंच निशान लगाएंगे यहाँ से इस तरह से, और इसको इससे मिला देंगे। अब देखिए जो हमने डॉट में निशान लगाया ना, जो हमने ये हमारा डेढ़ इंच यहाँ और आधा इंच यहाँ, हमारा दो इंच हो गया, तो यहाँ से हम दो इंच इस पर बढ़ा के कपड़ा लगाएंगे देखिए यहाँ से, और यहाँ से देखिए यहाँ भी हमारी डॉट लगी, हमारी डॉट में सिलाई में जाएगा, दोनों तरफ मार्जिन जाएगा हमारा, आधा इंच इधर और आधा इंच इधर, तो इसको हमें बढ़ा कर लेंगे, यहाँ से हम एक इंच लेंगे जो हमारा सिलाई मार्जिन होगा, इसको हम देखिए ऐसे करके इसको ऐसे मिला देंगे, ये हमारा सिलाई मार्जिन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम इसकी बार बार से यहाँ से देखिए यहाँ से कटिंग करेंगे, और ये जब हमारा जुड़ेगा तो देखिए ऐसे करके हमारा ये इस तरह से हमारा ये जब इसे जुड़ेगा तो देखिए ये कम हो जाएगा, जो कपड़ा कम हो जाएगा वही हमारे यहाँ से हमने बढ़ा दिया, तो हमारी फिटिंग का हमारा ये ब्लाउज बनेगा। देखिए तो हमारा प्रिंसेस कट हो गया, ये तो अलग कर देंगे। अब इसमें हमने गला ड्रॉ करना है, तो गला कैसे ड्रॉ करना है, हमने इसमें गला बनाना है वी गला, हम इसे देखिए चार इंच पर गला बनाएंगे, लंबाई में हम देखिए निशान लगाएंगे आठ इंच पर इस तरह, यहाँ से भी देखिए हम चार इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह, और इसको बॉक्स को हम तैयार कर लेंगे। यहाँ से देखिए हम वी का निशान लेंगे ऐसे करके इस तरह, और अब इसको देखिए यहाँ से ऐसे करके ब्रॉड लेंगे हम इसको इस तरह से, इस तरह से हम इसे ब्रॉड कर देंगे गोलाई में ना, इस तरह से शेप आएगी इसकी भी। पहले बीच बीनी का निशान लगाएंगे ऐसे, और उसे एक इंच बाहर की तरफ जाते हुए हम इसमें ऐसे करके शेप लेंगे, तो देखने में बहुत ही प्यारा ये शेप आएगी। अब पहले हम इसमें शैंडून कपड़ा, जो शाइनिंग वाला कपड़ा है हमारा लाइनिंग वाला, उस पर हम इसमें कटिंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो हमारा निशान है, ये हमारा डॉट का निशान है ना, तो हम इस पर निशान लगा देंगे दोनों को साइड, क्योंकि पैड हमारा यहीं लगेगा, तो इस पर हमने देखिए यहाँ पे इस तरह से निशान लगा देना जिससे पैड लगाने में हमें आसानी हो। अब देखिए जो हमने ये लाइनिंग काटी है, अब हम शैंडून पे से ही काटेंगे अलग अलग पीस करके। देखिए ये मैं शैंडून कपड़ा बिछा लिया, तो सबसे पहले देखिए बैक बिछाएंगे ऐसे इस तरह से, ये बैक का कपड़ा रखेंगे इस तरह, ये हमने फ्रंट का रखा पीस, ये देखिए इसको हमने ऐसे निकालना है, ये देखिए पहले इस पर ऐसे करके निशान लगा देंगे हम। यहाँ से जो हमारा ऊपर वाली साइड है ना, ये वाली साइड पे हम थोड़ा सा कपड़ा एक पैर का रखेंगे ऐसा करके, देखिए देखिए फ्रेंड्स ये हमने सारे में निशान लगा लिए। अब इसकी बार बार से देखिए कटिंग कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारी ये फ्रंट पैर की दोनों लाइनिंग कट गई हैं, ये देखिए, और ये हमारी बैक की भी दोनों लाइनिंग कट गई हैं। तो बैक का तो पहले हम हटा देंगे, क्योंकि इस पर हमने ट्रांसपेरेंट गला नहीं बनाना, क्योंकि इसमें सारी एम्ब्रॉयडरी है, अगर इस पर हम कटिंग करेंगे तो हमारी एम्ब्रॉयडरी कट जाएगी, तो इसको हम ऐसे ही बनाएंगे, यहाँ पर सिर्फ बोटनेक गला बनाएंगे, तो इसको हम साइड कर देते हैं। और जो ये हमारा आगे का फ्रंट का पीस है, इसमें हम ट्रांसपेरेंट गला बनाएंगे, ये तो हमारा वी बन जाएगा, ये यहाँ से ये हमारा गला बन जाएगा। तो सबसे पहले इस पर पैड रख के देख लेंगे, देखिए क्योंकि हमें यहाँ पैड भी लगाने हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा कहाँ तक हम इसमें नेट लगा सकते हैं। तो देखिए हमने ऐसे वैसे रख के देख लेना, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, देखिए ऐसे करके सेंटर पॉइंट पे रखेंगे यहाँ पे ऐसे, और इसको ऐसे पलट देंगे, ये देखिए। अब हम देखेंगे हमारे पास सिर्फ ये पोर्शन हमें इसको कवर करना है, तो हम इसके ऊपर हम इस पर हम नेट लगाएंगे, नेट वाला गला काटेंगे। तो यहाँ से देखिए हम इस जगह से हम कंधी से लेंगे, हम तकरीबन साढ़े चार पे निशान लगाएंगे देखिए ऐसे, और इससे हम एक डेढ़ इंच ऊपर रखेंगे देखिए यहाँ से ऐसे, इस तरह से हम इसको कटिंग कर देंगे, ये देखिए यहाँ से हम इसको ऐसे ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं ट्रांसपेरेंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि नीचे हमारे पैड भी लगने हैं, तो पैड भी हमने कवर करने हैं, तो इसलिए हम इसको ये देखिए इस शेप में हम इसको कटिंग कर देंगे। ये जगह हमारी ट्रांसपेरेंट होगी, इसी पे हमारा गला पलटा जाएगा, ये भी गला हमारा उसी पे पलटा जाएगा, और ये हमारा नीचे हमारा शैंडून का और
लाइनिंग हमारी लगेगी। तो सिर्फ हम लाइनिंग पर कटिंग करेंगे, बाद में इसे पलटेंगे तो इस पर कटिंग बाद में करेंगे, पहले हम इस लाइनिंग पर कटिंग करेंगे। तो इसको हम साइड कर देते हैं। देखिए ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा नीचे गला हो जाएगा। देखिए इस तरह से हमारे यहाँ पे ऐसे इस तरफ हमारा लग जाएगा, यहाँ पे पैड लग जाएंगे हमारे, इस तरह देखिए हमारा गला आ जाएगा और यहाँ पे हमारा वी शेप में नेट का गला बन जाएगा जो ट्रांसपेरेंट होगा। अब हम इस नेट पे इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो एम्ब्रॉयडरी वाला देखिए नेट है, इसमें देखिए ये हमारा बैक साइड है, ये हमारा जो बॉर्डर है ये हमारा नहीं कटना चाहिए। एम्ब्रॉयडरी में जहाँ तक हमारा लंबाई आती है वहाँ तक हम इसको कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर से इसको देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे डबल इस तरह। ध्यान हमने ये रखना है कि हमारी जो बॉर्डर है बॉर्डर आगे पीछे ना हो, ऊपर नीचे ना हो, इसलिए हम इसका सेंटर भी निकाल लेंगे। देखिए ये डिब्बी हमारी सेंटर पे आ रही है, तो देखिए यहीं से हम इसको फोल्ड कर देंगे, एम्ब्रॉयडरी से एम्ब्रॉयडरी मिलाएंगे। देखिए फूल से हमने फूल मिलाया है, ये देखिए इस तरह। अब इस पर हम इसको रख के कटिंग करेंगे, हल्का सा नीचे लेके जा। देखिए एम्ब्रॉयडरी है ना, इससे थोड़ा सा नीचे रख के, क्योंकि सिलाई के लिए हम एम्ब्रॉयडरी सिलाई नहीं कर सकते, तो इसे आधा इंच का मार्जिन में देना पड़ेगा। तो हम ऐसे रख के देखिए कटिंग कर देंगे यहाँ से, ये हमारा अंदर चला जाएगा कपड़ा। ऐसे रखते हुए देखिए हम यहाँ से रख के इसकी एक पैर छोड़ते हम इसकी कटिंग करेंगे। ध्यान रखना है हमें एक पैर छोड़ना है, क्योंकि हमारी जब सिलाई लगेगी तब हम इसका पूरी फिनिशिंग दे पाएंगे। जो कटिंग फाल जो फालतू कपड़ा होगा उसे हम बाद में निकाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बैक निकल गया, इसको हम साइड कर देंगे। अब हम फ्रंट निकालेंगे, तो फ्रंट का हमारा प्लेन पीस होगा। देखिए इस साइड से हमने बैक निकाला है, तो फ्रंट हमारा इस साइड से निकलेगा। तो देखिए इसको हमने ऐसा करके फोल्ड करना है, ये देखिए इस तरह से हम इसको फोल्ड कर देंगे और इस साइड से हमारी बाजू निकलेंगी। तो इसको पहले हम इससे मिला देंगे। ये देखिए ये जो हमारा ऊपर वाला है, ये जो हमारा गला वाला है, इसको बाद में निकालेंगे, पहले हम इसको निकालेंगे। देखिए ऐसे करते हुए, देखिए ये हमारा फोल्ड साइड है, ये ध्यान रखना हमने फोल्ड साइड, ये हमारा फोल्ड है ना लाइनिंग, तो फोल्ड को फोल्ड से मिला के ऐसे देखिए इस तरह रखेंगे। ये देखिए इसको हमने इसके साथ मिलाना है ऐसे, एक पैर देखिए हमें जगह छोड़नी है बीच में, एक पैर का हमें गैप देखना है नहीं। ये देखिए अब इसकी हम यहाँ से देखिए एक पैर छोड़ते हुए यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने नेट पर देखिए हमने ये दो पीस हमारे ये हो गए, ये हमारे दो पीस हो गए और ये हमारा फोल्ड साइड हो गया। ये हमारा नीचे की तरफ हमारा ये नेट इस तरह रहेगा, इसके नीचे लाइनिंग लगेगी, दोनों लाइनिंग हमारी इसमें लगेंगी, शैंटून लाइनिंग भी और ये कॉटन लाइनिंग भी। तो देखिए हम इसको साइड कर देंगे पहले, अब हम बाजू निकालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बाजू में हम लाइनिंग नहीं लगाएंगे, ये बाजू हमारी सिर्फ नेट की बनेगी। तो देखिए हमने इसको ऐसे फोल्ड करना है एम्ब्रॉयडरी से एम्ब्रॉयडरी मिलाकर। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने एम्ब्रॉयडरी से देखिए ये एम्ब्रॉयडरी से हमने एम्ब्रॉयडरी मिलानी है देखिए इस तरह, और इसको देखिए ऐसे फोल्ड कर देना है इस तरह से हम इसे फोल्ड कर देंगे। और जो हमारा कपड़ा यहाँ पे कम पड़ेगा अरमोल में, वो हम यहाँ पर अलग से लगा देंगे। हम इस पर देखिए यहाँ पे थोड़ी सी हम यहाँ नहीं लगाएंगे, लंबाई हमारी 13 इंच है, तो बॉर्डर से हम नीचे यहाँ पे आएंगे। ये देखिए हम यहाँ 14 इंच पर निशान लगाएंगे, सिलाई चली मार्जिन चला जाएगा, आधा इंच हमारा नीचे चला जाएगा सिलाई मार्जिन और आधा इंच हमारा ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे 14 इंच पर देखिए हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, ये देखिए ऐसे निशान लगा देंगे और इसको सीधा कर देंगे। पहले यहाँ से हम देखिए 3 इंच नीचे आ जाएंगे यहाँ पे आर्मल की शेप के लिए, और इसको भी हम सीधा कर देंगे इस तरह। अब यहाँ से हम देखिए इसको ऐसे करके शेप देंगे, ये हमारी आर्म शेप हो जाएगी। और यहाँ से देखिए नाप लेंगे, पहले यहाँ से नापेंगे, देखिए इस तरह से हमारा 7.5 आर्मल है। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पर निशान लगा देंगे, बस हमारा इतना सा हमारा कपड़ा अलग से लगेगा। और ये बॉटम हमारी हो जाएगी यहाँ पर, देखिए बॉटम हमारी 5 है, तो यहाँ 5 पर निशान लगाएंगे। और इसको देखिए हमने इसको ऐसे मिलाना है, ये हमने मिला दिया, ये हमने मार्जिन रखना है थोड़ा सा, 1 इंच का मार्जिन रख देंगे। अब देखिए जो जो हमारा कपड़ा कम पड़ा है, यहाँ पे हम थोड़ा सा कपड़ा नेट का अलग से लगा देंगे। अब इसकी बार बार से हम इसे कटिंग करेंगे, तो एक बार छोड़ते हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारी दो बाजू हो जाएंगी, जो हमारा पोर्शन कम पड़ा है यहाँ पर हम इसमें अलग से कपड़ा लगा देंगे और हमारी दो बाजू तैयार हो जाएंगे। तो बीच में से इसकी कटिंग कर देंगे, ऐसे खोलेंगे इसको, ऐसे इसको दो पीस करेंगे यहाँ पे। देखिए जो कपड़ा हमारा कम पड़ा है यहाँ पे हम इसमें जोड़ लगा देंगे। अब हम इसकी यहाँ से कटिंग कर देंगे, अब इसको इस पर रख कर देखिए यहाँ से हम इसको कटिंग दे कर देंगे, आधा इंच इसे चढ़ा देंगे ऐसे इस तरह। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इस तरह इसमें आधा इंच चढ़ा के हमने इसमें जोड़ लगा देना है। ये हमारी दो बाजू तैयार हो गई। ये देखिए देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारा जहाँ पे गला काटना है, ऊपर का पोर्शन जो हमारा ट्रांसपेरेंट रहेगा उसका हम सिर्फ नेट काटेंगे। तो इसमें सिर्फ हमें नेट लगाना है, ये हमारा यूज़ नहीं होगा, इसकी जगह हम नेट लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको ऐसे करना है, फोल्ड, ये फोल्ड साइड है देखिए यहाँ से, और ये फोल्ड साइड है,
ये हमारा ट्रांसपेरेंट गला, हमारा बीजो गला बनेगा वो हमारा इस पर ही बनेगा। तो देखिए हम इसको ऐसे करके एक पैर छोड़ते हुए इसकी हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा बैक है, इसकी दोनों लाइनिंग हमने ये देखिए काट ली, और ये हमारा फ्रंट है जो हमने अलग अलग पीस में हमने काट लिया। यहाँ हमारा ट्रांसपेरेंट गला बनेगा, ये हमारी लाइनिंग यहाँ पे नहीं लगेगी, और ये हमारी बाजू जो इस तरह से हमारी पैडेड नेट ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें जो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं ऐसे यूज़फुल वीडियो से दोबारा, तब तक के लिए बाय बाय।